यूपी के 18 जिलों के 1370 गांव बाढ़ से घिरे, योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बारिश, आकाशीय विद्युत, सर्पदंश और डूबने से हुई मौतों पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने इस तरह के हादसों में मारे गए लोगों के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। उन्होंने इन हादसों में घायल हुए लोगों का उचित इलाज कराने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य के लिए आवश्यकता अनुसार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फ्लड पीएसी की टीमें तैनात करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से 18 जिलों के 1370 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अतिवृष्टि से 3 आकाशीय बिजली गिरने से 1 और सर्पदंश से 1 तथा डूबने से 1 व्यक्ति की मौत हुई। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से उत्तर प्रदेश में गंगा, राप्ती, घाघरा, शारदा और रोहिणी नदी कुछ जिलों में खतरों के निशान से ऊपर बह रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ और बारिश से भी प्रभावित जिलों में तत्काल राहत कार्य करने शुरू करने और बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फ्लड पीएसी की टीमें तैनात करने के निर्देश दिए। राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक गंगा नदी जनपद बदायूं, शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलिया कला एवं शारदा नगर सरयू बबई नदी बहराइच के गाय घाट में, घाघरा नदी बाराबंकी के एलगी ब्रिज, अयोध्या व बलिया के तुर्ती पार में, राप्ती नदी श्रावस्ती के भिंगा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर के बांसी, गोरखपुर के बडघाट और बूढ़ी राप्ती नदी, सिद्धार्थनगर के ककरही, रोहिन नदी महाराजगंज के त्रिमोहिनी घाट और कुआनो नदी गोंडा के चंद्रदीप घाट में खतरे के जल स्तर से ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के 1370 गांव बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित हैं। बलरामपुर के 287, सिद्धार्थनगर के 129, गोरखपुर के 120, श्रावस्ती के 114, गोंडा के 110, बहराइच के 102, लखीमपुर खीरी के 86, बाराबंकी में 82, बुलंदशहर के 68 और महाराजगंज के 63, आजमगढ़ के 60, सीतापुर के 57, बस्ती के 32, संत कबीर नगर के 19, कुशीनगर के 14, मऊ के 13 और अयोध्या के 12 और अम्बेडकर नगर के 2 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं।